हेलो क्लास सिक्स आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्टीन फन विद मैग्नेट्स फन विद मैग्नेट्स होप ऑल ऑफ यू रीड दिस चैप्टर नाउ स्टार्ट फन विद मैग्नेट्स व्हाट इज मैग्नेट एनी सब्सटेंस विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट्स सेल्फ और सब्सटांस दैट हैटी टू अट्रैक्ट आयरन निकल कोबाल्ड मैगनेट्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैगनेट ऑफ अट्रैक्शन इज कार्ड मैग्नेटिजम तो मैगनेट क्या है वो सबस्टांस जो कि आयरन को निकिल को कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेट कहलाता है और मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट टू अट्रैक्ट थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन कोबाल्ट और निकिल इज नोन एज मैग्नेटिज्म एंड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेट द फोर्स बाय मीन्स ऑफ विच ए मैगनेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेल्फ इज नोन एज मैगनेटिक फोर्स तो वाट इज मैग्नेटिक फोर्स एंड फील्ड मैग्नेटिक फोर्स तो वो है जिसके द्वारा मैग्नेट अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को जो किन्के कोबार्ट और आयरन के बने होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है द एरिया सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज़ एग्जर्टेड टू एक्ट टू अट्रैक्ट आयरन इज़ नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट के चारों तरफ का वह एरिया जिसके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होता है जिससे कि आयरन की, की चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उस एरिया को मैग्नेटिक फ़ील्ड कहते हैं द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑर्जिनेट फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड एट इट्स साउथ पोल तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉर्थ पोल से ऑर्जिनेट होता है उत्पन्न होता है और साउथ पोल पर एंड होता है ये देखिए ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस हैं वो देखिए है, इस डायरेक्शन में जा रही हैं किस डायरेक्शन में जा रही हैं इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ की तरफ देखिए यहाँ पर तीर का निशान इस तरह से लगा हुआ है यानी कि नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट हो रही हैं और साउथ पोल की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जाती हैं तो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्या था मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेट uh, वो था जिसने आयरन निकिल और कोबाल्ट की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो ये हमारा एक मैग्नेट है देखिए मैग्नेट इसका ब्लैक जो है वो नॉर्थ पोल है रेड जो है वो साउथ पोल है अब इसको हम आयरन के पास पिंस के पास लेकर आते हैं ये देखिए ये पिंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं ये देखिए इसने पिंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है तो मैग्नेट क्या है जो निकेल, कोबाल्ट और आयरन की बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे दैट इज मैग्नेट और मैग्नेट के इस फोर्स को मैग्नेटिज्म अट्रैक्शन को मैग्नेटिज्म कहते हैं नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स मैग्नेट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स एंड शेप्स फर्स्ट देखिए ये जो है आपका ये है हॉर्स शू मैग्नेट बिल्कुल हॉर्स शू की तरह ये मैग्नेट होता है ये आपका बार मैग्नेट है जो अभी हमने आपको दिखाया ये निडिल है मैग्नेट निडिल ये देखिए इसके अंदर ये मैग्नेटिक कंपास है इसके अंदर इस तरह की इस तरह की निडिल होती है ये डिस्क मैग्नेट है इसके अलावा एक मैग्नेट ऐसी भी होती है जिसके अंदर बॉल एंडेड होती है जैसे कि यहाँ पर ऐसे बॉल बनी हुई है दो कोले बना दीजिए इस तरह से और बीच में एक रोड हो ये बॉल मैग्नेट या बॉल एंडेड मैग्नेट कहलाती है नाउ मैग्नेटिक पोल्स द एंड्स ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज कंसंट्रेटेड आर कार्ड मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक पोल्स द एंड्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के वो एंड जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा फोर्स होता है मैग्नेट का मैग्नेटिजम जा, सबसे ज़्यादा होता है उनको मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इफ़ यू कट ए मैगनेट इन हाफ अगर आप एक मैगनेट को कट कर देते हैं आपके पास एक रोड मैगनेट है अगर आप उसको कट कर देते हैं तो क्या होगा जैसे ये देखिए ये आपका रोड मैगनेट है पूरा इसको आपने क्या किया इसको आपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ इस छोटे पार्ट में भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन गया दूसरे पार्ट में भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन गया मीन्स एक जो मैग्नेट है आपकी अब वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है फर्स्ट ये मैग्नेट बन गया सेकेंड ये मैग्नेट बन गया अब इस फर्स्ट और सेकेंड मैग्नेट को आपने आगे फिर डिवाइड कर दिया तो इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स बन गए यानी कि अब ये फर्स्ट मैग्नेट जो है वो भी टू में डिवाइड हो गई और ये जो सेकेंड मैग्नेट है ये भी टू में डिवाइड हो गई लेकिन इसकी जो पावर है इस मैग्नेट की पावर सबसे ज़्यादा होगी इन दोनों की पावर उससे थोड़ा कम हो जाएगी अब इस दो को जब हमने फोर में यानी कि वन को टू में डिवाइड किया तो इनकी पावर इनसे कम होगी पावर कम हो जाती है लेकिन मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोता है उसमें मैग्नेटिज्म रहता है और न्यू पोल डेवलप हो जाता है मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऐसे होती है कि मैग्नेट हमें दिशा ज्ञान भी कराता है जब सेलर्स पायलट्स वगैरह सेलर्स सी में अपना पानी का जहाज़ चला रहे होते हैं पायलट एरोप्लेन को जब आकाश में उड़ा रहे होते हैं तो वो डायरेक्शन के लिए इस कंपास का यूज करते हैं ये कंपास है इसमें एक कंपास नडिल होती है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती है उसका यूज करते हैं और उससे दिशा देखते हैं ये देखिए कंपास है नाउ मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो डायरेक्शन देखने के लिए यूज किया जाता है ये देखिए ये मैग्नेटिक कंपास है डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है एंसियन टाइम में प्यूपल के पास जब और कोई तरीका नहीं था डायरेक्शन देखने के लिए जब वो मैग्नेट से डायरेक्शन देखा करता था अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए यानी कि एक धागे से बांध कर लटका दिया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल डायरेक्शन में रुकता है कौन सी डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है हमारा जो अर्थ है एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है लेकिन जो उसका नॉर्थ पोल होता है अर्थ लाइक ए बार मैग्नेट लेकिन उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो हमारी पृथ्वी की दक्षिण दिशा में होता है साउथ डायरेक्शन में और अर्थ जो मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल होता है वो पृथ्वी की नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसलिए जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है क्योंकि अर्थ का जो साउथ पोल होता है वो हमारे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है और अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है वो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है नाउ आई कैन शो यू कंपास